वाहेगुरु। गुरुद्वारे खाली हो रहे हैं, तुहानू एक बेनती करके मैं समाप्ति कर लगा। तुहानू बीबिया ने इन्होंने जो करना ही कर छड़िया, तुसी एक मेरी गल मन्नियो। जिस कौम दियां बच्चियां बीबियां भैणां माइयां धर्म छड़ जांदियां ने, एक बार फिर दोहराउण लगा, जिस कौम दियां बच्चियां बीबियां भैणां धर्म छड़ जांदियां ने, वह धर्म 50 साल विच आपे ही खत्म हो जांदा है, उहनू खत्म करन दी लोड़ ही नहीं। और अज साडे हालात यही बनते जा रहे हैं, साडियां बच्चियां बीबियां सिखी तो दूर जा रही ने, उहदियां एग्जैम्पल्स है रहीं मेरे को। मेरे बेटी दे आनंद कार्य करना सी, असी नाल दे पिंड बीबी देखण गए, उन्होंने गलबात करन गए फैमिली नाल। जदों गलबात कीती ते बच्ची ने साफ कहता, मैं दाड़ी वाले नाल विआह नहीं कराना, मैं मोने नाल कराना है। सिखी कित्थों आएगी? मैनू लोग पुछदे ने, सवाल पुछदे ने, बच्चे नू सिखी कदों देईए? तो मैं उन्होंने कहना, बच्चे दे जन्म तो 20 साल पहला। वो फिर मैनू पुछदे ने, बच्चे दे जन्म तो 20 साल पहला किवें सिखी दे दीए? मैं कहना, जिस कुख विच बच्चे ने जन्म लैना ना, वो माँ अमृतधारी होवे, वो माँ की जबान ते, उहदी माँ की जीभ ते जपची होवे, माँ की जीभ ते सुखमनी साहब होवे, माँ की रसना ते वाहिगुरू होवे। भाई तारू सिंह एवें नहीं पैदा हो गया, भाई तारू सिंह नू पैदा करन लई कुख चाहीदी है, माँ चाहीदी है। जीवन वालियां नू पैदा होने लई माँ चाहीदी है, ते अज जीवन वाले क्यों नहीं आ रहे? मावां नहीं रहियां जीवन वालियां। बोलो वाहेगुरू। गुरु नानक ने तुहानू अपनी सिखी दित्ती सी, जदों गुरु नानक साहब ने सिख बनाया ना, सब तो पहली सिख उन्हें बेबे नानकी नू बनाया सी, तुहानू बनाया सी, तुहाडी झोली च सिखी पाई सी, वी इह संभाल के रखणगियां सिखी। हुण तुसी देख लो, उहनां भैणां नू याद करो जिन्हां ने अपने बच्चों के टुकड़े करा ले, ते टुकड़े करके उहदियां आंदरां कढ के उहदे विच ही परो के उहनां दे गल विच पाते, ते सारा सारा दिन ते सारी सारी रात वह टुकड़े गल विच पए रहे, पर उहनां ने सिखी नहीं छड्डी। तां असीं कहिंदे आ, उहनां दी कमाई का ध्यान करके बोलो जी, ते साडी कमाई का ध्यान करके की बोलांगे? आओ अपनी कौम नूं संभालीए, कल्ला कल्ला प्रचारक बनो, तुसीं सारे आप बाणी पढ़नी शुरू करो, तुसी आप गाणी शुरू करो, तुसी अपने बच्चों आप कीर्तन सिखाओ, उन्हां नूं कथा सुनाओ, उन्हां नूं कथा सिखाओ। निर्भर ना रहो दूसरियां ते, असी अपने विआह आप करदे हां, अपने बच्चों के विआह असी आप करदे हां। एक तो साढ़े को समा है नहीं, जो 2 मिनट 5 मिनट वध लग जाने तो पता नहीं फिर की हो जाना, तूफान ही आ जाना कोई। बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। असी अपने बच्चे का आनंद कार्य करना सी, मैंने सानू कहते किन्ने बजे बरात लैके आओगे? मैं कहा बरात कड़ी होंगी है, इतने तो गुरसिखा ने आना है, तो गुरसिखा के घर बरात लैके जाइए, वो तो भैन भरा उन्होंने मिलने जाइए, उन्होंने इज्जत ना मिलना उन्होंने, बरात कड़ी आनी इतने, असं सीधे गुरुद्वारे आवेंगे। किन्ने बजे आ जाओगे? मैं कहा आ जाएंगे 7 बजे, सियाल के दिन से 7 बजे आ जाओगे? मैं कहा हाँ, असी आसा दी वार का कीर्तन करना है, तो कीर्तन तो बाद फिर असी आनंद कार्य करना है 11-12 बजे। बोलो वाहेगुरु। तो उन्हें सोचा भी इन्हें कड़ा होना है, थोड़ा जे इधर पक्के नहीं सी। बोलो वाहेगुरु। तो असी जाके 7 बजे उत्थे गड्डी लाती, तो वो अजे अखा ही पूछते सी, उठे ही नहीं सी अजे, अं दरबार खोलिया सच्चे पातशाह का, तो जाके वाजा धरिया, तो तपला धरिया, तो कीर्तन शुरू करता आसा दी वार का, तो पिंड का सरपंच दौड़िया आवे, वो इत्थे ते अज आनंद कार्ज होना, ये निहंग कित्थों आ गए ने, इन्होंने कीर्तन शुरू करता गुरुद्वारे ते अज आनंद कार्ज होना? वो कहिंदे मुंडे का प्यो ही कीर्तन करता पिया।